हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको प्लाजो के ऊपर प्लाजो रख के प्लाजो की कटिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगी। तो देखिए, ये मेरे पास कपड़ा है, ये थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग नहीं की है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा सारा एक साइड में निकल जाएगा। तो इसको देखिए, मैंने लंबाई में से बीच में से फोल्ड किया हुआ है इस तरह से, यानी ये डबल है। तो देखिए, मैंने इसको लंबाई में से डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और जो हमारी बंद साइड है वो इधर है और खुली साइड इधर है, और इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए, हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है, एक, दो, तीन और चार, चार इसकी हमारी ये तय हो गई है। और इस तरह से देखिए, एक पैर का हिस्सा हमारा ये हो जाएगा और एक पैर का हिस्सा ये हो जाएगा। बंद साइड हमारी इधर है, खुली साइड हमारी इधर है। सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम 2 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो ये निशान आप थोड़ा कम इंच पर भी लगा सकते हैं, यानी 2 इंच से थोड़ा कम भी रख सकते हैं। और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे, यानी एक सीधा निशान लगा लेंगे। अब देखिए, जिस भी नाप का आपको प्लाजो बनाना है उस प्लाजो को आप इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर अच्छे से प्रेस करके इस तरह से रख लेंगे। जो हमारा क्रोच एरिया है वो हमारे कपड़े की खुली साइड होना चाहिए। जैसे देखिए, ये हमारा क्रोच एरिया है और ये हमारे कपड़े की खुली साइड है, और जो हमने एक्स्ट्रा ये निशान लगाया है 2 इंच का, इसके नीचे हमें इसको रखना है। अब देखिए, जैसे मुझे इसकी लंबाई इससे थोड़ी ज़्यादा रखनी है, तो मैं इसको देखिए यहाँ तक तैयार रखूँगी। तो यहाँ पर मैं एक निशान लगा लूँगी बिल्कुल सीधा। तो देखिए, यहाँ तक तो हमारा ये तैयार प्लाजो होगा, और हम 1.5 से 2 इंच मोड़ने के लिए रखेंगे, तो एक निशान हम और लगा देंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप मोड़ने के लिए थोड़ा कम कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ये निशान लगाने के बाद अगर आपको अपना घेर इतना ही रखना है तो आप यहाँ पर निशान लगाएं, कम रखना है तो थोड़े कम पर लगाएं, और थोड़ा ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा पर लगाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो एक निशान हम अगर सेम रखना है, या तो आप स्केल ले लें या फिर बिल्कुल इसके बराबर एक निशान लगा लें इस तरह से। अब देखिए, यहाँ तक निशान लगाने के बाद आगे का जो निशान हमें लगाना है वो बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमारी इलास्टिक डली हुई है तो इसमें ये हिस्सा सिकुड़ जाता है। इस तरह से हमें ये निशान लगाना है। अब देखिए, जहाँ पर हमारा क्रोच एरिया है वहाँ पर हमें इस तरह से एक निशान लगा लेना है, ऐसे। और यहाँ से केवल देखिए, हमें 1 इंच के आसपास रखना है, केवल 1 इंच इस तरह से रखते हुए हमें इसमें इस निशान को मिला देना है। और अब हम अपने इस प्लाजो को हटा लेंगे। देखिए, हमने ये जो निशान लगाया है ये हमारा सिलाई का निशान है। अब हम इससे करीब 1/2 इंच के आसपास एक निशान और लगाएंगे, जो हमारा कटिंग का होगा। बिल्कुल इसी के बराबर बराबर में हम निशान लगाते चले जाएंगे। देखिए, हमने जो निशान लगाया है, पहले हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस निशान तक, और इसके बाद जो हमारा कटिंग का निशान है उसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, जो हमारा मोड़ने का हिस्सा है यहाँ से हम एक छोटा सा कट यहाँ पर लगा देंगे,
जब हम सिलाई करेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि यहाँ तक हमें इसको फोल्ड करना है। और इसी तरह से हम यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे। और इस तरह से आप किसी भी साइज के प्लाजो की कटिंग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।